ग्राम एकावारी में शासकीय माध्यमिक शाला का 2006 में स्थापना हुआ है, जिसमें 35 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ के गांव के पढ़े लिखे नौजवान साथी वो बच्चे उस स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और साथ ही उस स्कूल में एक प्यून नियुक्त हुआ है जो ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से वो भी प्यून उनको शिक्षा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और ब्लॉक अधिकारी को कई बार गांव वाले के माध्यम से एप्लीकेशन दिए हैं और अधिकारी उन स्कूल को जा कर के देखे हैं लेकिन आज तक उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं संतोष, ये मेरा समुदाय 27 M3 N वर्ग प्लस 18 M4 N2 है ना, कितने बार है का कितना है गत शब्द का भी मध्यम पुरुष एक वचन बनाओ सुके गी। 2002 से आप पदस्थ हूँ प्राथमिक शाला एकावारी में और प्राथमिक शाला में अभी दो टीचर हैं, एक रोसैया है और एक स्वीपर है। मैं स्कूल का प्रभारी हूँ और माध्यमिक शाला स्कूल का भी प्रभारी हूँ। माध्यमिक शाला एकावारी 2006 से संचालित है। जब से स्कूल यहाँ बुनियाद हुआ है 2006 से, तब से यहाँ पर अभी तक टीचर की नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग प्राथमिक शाला के टीचर लोग ही यहाँ पर हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं मिड डे स्कूल का भी। और हम लोग भी दोनों स्कूल का हम अध्यापन कार्य करते हैं बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके और सभी के सहयोग से स्कूल संचालित हो रहा है। यह वीडियो देखने वाले से मेरा यह गुजारिश है कि इस स्कूल में शिक्षक नियुक्ति करने के लिए शिक्षक विभाग के अधिकारी को ध्यान में आकर्षित करते हुए शिक्षक नियुक्ति करने के लिए मदद करें। मैं संतोष कुमार झरिया, ब्लॉक नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।